पिछले 25 साल से काम कर रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब रिटायर होने वाला है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हटाने की अब योजना बना रही है और यही है बड़ी खबर। जहां अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया कि यह स्पेस स्टेशन अब पुराना हो चुका है, इसलिए इसे हटाना अब जरूरी हो गया है। आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता कैसे है। इसकी तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, ये ऑपरेट कैसे करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मानव निर्मित एक ऐसा सैटेलाइट है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों की सुविधा के लिए अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थापित किया गया और ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी करता रहता है। अब नासा 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने की तैयारी कर रहा है और यही है आज की बड़ी खबर, जहां नासा ने इस दिशा में अब कैसे काम शुरू कर दिया है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पूरी एबीसी के जरिए आपको हम बताएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत कब हुई और ये कैसे ऑपरेट करता आया है। तो कब हुआ ये शुरू, 1989 में इसकी शुरुआत हुई। अंतरिक्ष विमान विज्ञान से जुड़े प्रयोग ये करता आया है, जीव विज्ञान से जुड़े प्रयोग करता आया है, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस से जुड़े टेस्ट भी अभी तक होते रहे हैं। लेकिन अब इसे गिराने का फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, तकनीक पुरानी हो चुकी है, उन्नत अंतरिक्ष स्टेशन की अब जरूरत है। उस लिहाज से अब इसको लेकर और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे गिराया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये वजन 419,725 किलो बताया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 410 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा है और स्पेस स्टेशन को अचानक नहीं गिराया जाएगा, बल्कि नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धीरे धीरे नीचे लाता रहेगा। और बताया जा रहा है कि जनवरी 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वायुमंडल में पहुंचेगा। वायुमंडल में पहुंचने के बाद समुद्र में इसे गिराया जाएगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हटने के बाद अब क्या होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि एडवांस लेवल का नया स्पेस स्टेशन बनाने की ये योजना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ज्यादा कारगर इसे बताया जा रहा है। यहां तक कि नासा ने अब निजी कंपनी से एक अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने के लिए भी बात कही है और कई निजी कंपनीज एक कमर्शियल स्टेशन संचालित भी करना चाहती है और इसी योजना के तहत अब बड़े फैसले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर किए जा रहे हैं।